मैं बच्चे का मुंह देखना, रिश्तेदारों ने मुंह देखना, साजा ने मुंह देखना उदा। अमरीका दे विच एक पंजाबी नौजवान की मौत हुई है। पेद परे हालातों के 40 साल के शख्स की मौत हुई है। चंगे भविख का सुपना लैके विदेश गया सी, अते एक हादसे के विचाले उसकी मौत हुई है। परिवार का रो रो के बुरा हाल होया पिया। पुत की मौत की खबर सुनद्या ही प्यो के पैरों हेठों जमीन खिसक गई। उस तो अपने पुत की मौत का दुख जरिया नहीं जाता। मृतक के एक 9 साल की धी है, 2 साल का छोटा बच्चा भी है। मृतक की पहचान अमनदीप सिंह वजो हुई है, जो कि पठानकोट का वासी सी। बीते 2 साल पहला ही वह अमरीका विखे एक चंगे भविख का सुपना लैके गया सी। पहला उस वालों एक रेस्टोरेंट च नौकरी की गई, फिर उत्थे वर्क परमिट लगन तो बाद उसके वालों ड्राइवर का काम किया गया। एक हादसे के विचाले उसकी मौत हुई है। परिवार को जिवें ही सूचना मिली कि उन्होंने घर के जी की मौत हुई है, तो उन्होंने रो रो के बुरा हाल होया पिया। परिवार का कहना है कि उसके आसरे ही साढ़े घर का गुजारा चलता सी, साढ़े घर का उही कमाऊ पुत सी, पर हुण रब ने वह भी साथों खो लिया, तो साड़ी आई चलाई हुण किवें होवेगी। जिस तों बाद परिवार दे विच लाल दुख का माहौल है। परिवार का रो रो के बुरा हाल होया पिया, मृतक की पत्नी का रो रो के बुरा हाल होया पिया। उत्थे ही बच्चे भी अपने प्यो की तस्वीर नूं देख के रो रहे हैं। परिवार के दुखों का पहाड़ आ डिग्गिया। अमरीका दे विच एक सुपने वजों एक चंगे भविख की आस लैके अमनदीप सिंह बीते 2 साल पहला अमरीका गया सी, पर एक हादसे के विचाले उसकी मौत हो गई है। परिवार ने सरकार तो मदद की गुहार लगाई है। इतों तक कि मृतक के पिता के वलों सरकार को गुहार लगाई गई है कि वह साड़ी मदद करन कि तां जो उन्हां दे पुत दी मृतक दे भारत आ सके। घर का इकलौता कमाऊ जी सी, जिसकी कि एक हादसे के कारण अमरीका विच मौत हो गई है। जे मेरे बेटे की कोई गौरमेंट मदद कर सकती है तो मेरा बेटा मैनूं इत्थे घर पहुँचना चाहिए। मैं उस मुंह देखना बच्चे का, मैं अपने बच्चे का मुंह देखना, रिश्तेदारों ने मुंह देखना, साजा ने मुंह देखना उदा। जे जिस तरह गवर्नमेंट मेरी मदद करेगी, मैं गरीब मैं बेचारा, मैं किसे, मैं बुढ़ा आदमी हाँ, मैं कुछ नहीं कर चुका। मैं उससे बच्चे थे, मेरियाँ डोरियाँ सी पूरियाँ, उससे वो ही बेचारा करता सिलसिला साढ़े घर का, वो पूरा करता। उस दाते ने कुछ नहीं सोचिया मेरे बारे। आ छोटे छोटे बच्चे रह गए, आ मेरी बेटी रह गई है, अजे उसकी उम्र 40 साल सी, अजे बेटी की उम्र 35-36 साल उम्र दी है। ये बच्चा एक गुड्डी है बेचारी, कुछ 9 साल दी 10 साल दी वो है अजे तकर, सिरते ही है बेचारा। जो कुछ भी सीगा मेरे मेरे पुत दे सिरते ही सीगा, ओहो ही घर दा सिलसिला चलांदा सीगा, ओही उस ते मेरिया डोरिया सीगिया पूरिया। उन्हों का नाम जी अमनदीप सिंह है, तो वो 2022 सितंबर 2022 गए है। उथे उन्होंने पहले रेस्टोरेंट च काम किया, फिर उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, अपना वर्क परमिट मिल गया, उन्होंने वर्क परमिट मिल गया, सब कुछ उन्हें डाकूमेंट अपने तैयार करके ते ट्रांडे थे। अजे 4 दिन पहले बैठा आ जाए रस्ते बेच ही, जो मैक्सीको पहुंचा वो मेरे नाल गल हुई है बेटे की। मैं क्या पुत कितने है, डैडी मैं मैक्सीको है। मैं कहते मैक्सीको पहुंच गया तो थोड़ा ही रह गया, और मेरे पुत नाले पहाड़ा परत गया। उन्होंने गलबात वो मैनू कहता सी डैडी तू ठीक है, उन्होंने मेरा फिक्र रहा कि डैडी ठीक ठाक रहना चाहिए। पिछले मैं तो अमरीका बैठे रहा, तू टब्बर संभाले रहा अपना, तो चलो तू बच्चों को संभाले रहा, तो डैडी कोई गल नहीं, तू तू ठीक ठाक रह, मेरा चिंता ना कर, तू बेफिक्र रह, तू मेरी चिंता ना कर, तू अपना परिवार बच्चों को संभाल तू अपने। 2 साल पहला गए, मेरी यही मांग है कि उन्होंने लिया जाए। अमनदीप जो पिंड धुपकड़ी तो अज तो 2 साल पहला रोटी रोजी कमाने के चक्कर अमेरिका गया, जिसकी अच्छे 5 बजे माँ प्यो
ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਮੱਖਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ SML ਜਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ MP ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ।